हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पर्श के जायके। आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी फटाफट बनने वाला नाश्ता, लंच डिनर आप कभी भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने मूंग थी, साबुत मूंग जिसको भिगोया था, स्प्राउट किया था, तो ये है एक कटोरी। बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गया है और ये बहुत हेल्दी होता है खाने में। तो इसको डाल देंगे हम ग्राइंडर में। और ये सूजी लिया है, 2 टेबल स्पून सूजी है, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 हरी मिर्च है, 2 आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा अदरक लिया है, कड़ी पत्ता लिया है 6 से 7, और लिया जीरा 1/2 टेबल स्पून, कलर के लिए हल्दी लिया 1/2 टेबल स्पून। इन सबको हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो देखिए महीन पीस गया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला था और ये देखिए एकदम महीन पीस लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो जो मिक्सी में दाल थी ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें मिला दिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। हींग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, अच्छे से मिला करके हमें 5 मिनट के लिए इसको रख देना है रेस्ट के लिए। अब आइए बनाते हैं इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी चटपटी पुदीने की चटनी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और फटफट बन जाती है। 2 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल नहीं लेना है, 1 चम्मच लिया है चने की दाल, और थोड़ा सा लिया है सूखा हुआ नारियल। आप फ्रेश नारियल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां लिया है, अगर आप नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च लिया है, 1 आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से चला लेना है। अभी 1/2 टेबल स्पून डाला इसमें जीरा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। इन सबको हमें धीमी आँच में भूनना है। पुदीने की चटनी है तो इसमें मैंने डाला है पुदीना, जिसको अच्छे से साफ करके धो लिया है। और खट्टा, हल्का सा खट्टापन लाने के लिए हमने डाला इसमें इमली। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बाद में। तो ये हमारा इतना ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर इसमें नहीं लेके आना है। गैस को बंद करते और इसको ठंडा होने देते। तो देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसको जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि कोई पतली खाता चटनी, कोई गाढ़ी खाता है। तो देखिए मैंने पीस लिया इसको अच्छे से कम मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था इसमें पीसते समय। इसको कटोरी में निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक। अभी इसका एक मस्त तड़का बनाते हैं, जिससे चटनी में और भी अच्छा टेस्ट लेके आएगा। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1/2 टेबल स्पून राई डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। ये मैंने हाथ से डाला है, आप अपने अंदाज से डाल देना 1/2 टेबल स्पून के हिसाब से। और 1 लाल मिर्च तोड़ के डाल दिया है। चुटकी भर हींग डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में। और डालेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7। अच्छे से तड़के को हमें फ्राई कर लेना है, यानी भून लेना है। अब हम इसमें चटनी में तड़का देते हैं। तो तैयार है हमारी मस्त पुदीने की चटपटी चटनी। खाने में बहुत टेस्टी होती है, कभी भी आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है।
तो चटनी हमारी बन करके रेडी हो गई है। अब चलिए बनाते हैं हम अपने दाल के, जो हमने दाल पीसी थी ना उसका बनाते हैं एक मस्त मस्त उत्तपमा। प्रोटीन से भरपूर, खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, बिना ऑयल के, बिना ज़्यादा तेल मसा, तेल भी इसमें नहीं लगेगा और बहुत अच्छा बनता है। अभी मैंने इसमें लिया है इनो यानी फ्रूट सॉल्ट लेता है। अगर फ्रूट सॉल्ट आपके पास नहीं है, इनो नहीं है आपके पास, तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिला लिया है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हल्का सा तेल डालेंगे और इसमें कुछ पानी की छींटे डाल करके टिश्यू पेपर से हमें इसको पोंछ देना है। इससे क्या ना, हमारा जो कुछ भी डोसा या हम कुछ भी ऐसा बनाते हैं ना, तो वो चिपकता नहीं है। अब पेस्ट को हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हमें उत्तपमा बनाना है, तो इसको थोड़ा मोटा बनाएंगे। आप इसको पतला भी बना करके डोसे की तरह भी बनाएंगे तो भी बहुत बढ़िया बनेगा, पर आज मैं इसको उत्तपमा बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने फैला दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सब्जी, और भी हेल्दी बनाने के लिए घर में जो भी सब्जी आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो। इसमें मैंने गाजर, टमाटर और प्याज काट के छोटा छोटा डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम है, पनीर है, और भी जो भी आपको पसंद है वो सब्जी इसमें डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाल दिया है। तो देखिए मस्त, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अक्सर मेरे घर में ये बनता ही रहता है, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दिया है कलर के लिए और टेस्ट के लिए। अब इसको दो से तीन मिनट ढक करके हमें पका लेना है। गैस को धीमा ही रखना है। तो देखिए ऊपर की दाल सूख गई है यानी पक गई है। अब हम इसको पलटा देते हैं। हल्का सा थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आप तेल नहीं खाना चाहते तो इग्नोर कर सकते, बिना तेल का भी बहुत अच्छा बनता है ये। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला इसमें। अब इसको मैं पलटा करके पकाना है दूसरी साइड में। कितना अच्छा कलर आया देखिए, और मस्त, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो हमेशा तवे को तैयार करके ही आप डोसा, उत्तपमा या चिल्ला जो भी बनाते हैं ना, बनाइए। इसको भी थोड़ा ढक देंगे और ढकने के बाद इसको भी पका लेंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो देखिए मस्त कलर आया है और बहुत अच्छा बन करके ये रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हमें उलट पलट के दो तीन बार पकाना है। बच्चों को आप ये दे सकते हैं टिफ़न में, एक हेल्दी नाश्ता, हेल्दी टिफ़न बना करके। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। इसको तब डालिएगा जब आप इसको निकालना हो, लास्ट में एकदम डालना है, तो इसका और भी अच्छा टेस्ट आएगा। बटर का टेस्ट आएगा ना, तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। आप इसमें चीज़ डाल करके बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बन के रेडी है हमारा मूंग दाल का उत्तपमा। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, इन्जॉय द वीडियो।